डॉक्टर साहब, आज की डेट में जॉइंट पेन की भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को और अर्थराइटिस की भी, तो कृपया इसके बारे में प्रकाश डालें। क्या ये ट्रू नेक्टर इस पे काम करता है? बता रहा हूं, जॉइंट पेन, मसल पेन, ये बहुत कॉमन हो गया है। यस, ठीक है। एंड मॉडर्न साइंस ने इनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं, जैसे इसको बोलते हैं जॉइंट पेन को बोल देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मसल पेन को बोल देते हैं फाइब्रोमायल्जिया, हम आयु मतलब कई लोगों को गठिया बोल देते हैं, जोड़ों में गांठ बदगी या मसल में गांठ बन। एक्चुअली होता क्या है, फिर हमारी वही थ्योरी टॉक्सिन थ्योरी, ठीक है, हमारे आयुर्वेद में इन बीमारियों को आम रस से रिलेटेड किया गया है। आम रस क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं अगर वो खाना पूरा ना पचे, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वात से मिलकर जोड़ों और मसल में आके इकट्ठा हो जाता है उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसको टॉक्सिन समझ के उसमें अटैक करता है और सूजन बना देता है जी। जब वो सूजन बन गई, पेन होगी, दर्द स्टार्ट होगी, इसका नाम गठिया या जोड़ों की दर्द या मसल पेन या फाइबर, जो भी नाम अलग अलग नाम रख देते हैं। तो जो पहले आज से 40-50 साल पहले जो गठिया बनता था, आमरस बनता था, उसको हमारा आयुर्वेद ठीक कर लेता था क्योंकि वो सिंपल आमरस था। लेकिन जो आजकल आमरस बन रहा है अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, जो साथ में केमिकल बॉडी में एक्युमुलेट हो रहे हैं, वो हमारे कच्चे रस के साथ जब मिलकर जोड़ों में बैठते हैं तो उनको हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं करता, पहचानता नहीं है, सिर्फ अटैक करता रहता है, उस पर कॉन्टिन्यूस अटैक करता रहता है। कॉन्टिन्यूस अटैक करने से कॉन्टिन्यूस सूजन बनी रहती है, वहां से वो बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती जी। तो जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है एलोपैथी का, वो आपको बताया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो इम्यून सिस्टम को पता है इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर रहा है, इम्यूनिटी के सेल उसको खत्म करने के लिए अटैक कर रहे हैं, अटैक करते रहेंगे सूजन बनी रहेगी जी। तो वो सूजन कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करने वाली दवाई जी, वो दवाइयां जैसे स्टीरॉयड है, मिथोट्रेक्सेट, कोई मेडिसिन ऐसे है जी, वो उनको ठीक करने के लिए देते हैं, उससे पेशेंट को टेम्परेरी आराम, क्योंकि इम्यूनिटी ने अटैक करना बंद किया जी, तो पेशेंट को टेम्परेरी आराम मिलता है। वो कहते हैं कि वो पेन किलर इसके लिए देते रहते हैं। पेन किलर दे देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, ठीक है जी। जो 3-4 तरह के मेडिसिन है वो सारी दुनिया यही खा रही है इधर, एंड बहुत सारी दुनिया है ऑटो, दिस इज काइंड ऑफ ऑटोमिन डिसऑर्डर जी। ऑटोमिन डिसऑर्डर, अगर जोड़ मसल में ये टॉक्सिन की बात कर रहा हूँ इधर बैठ गया तो ये गठिया और बन गया जी। अगर वही टॉक्सिन बॉडी के दूसरे एरिया में, किसी के नर्व में, किसी के लीवर में, किसी के हार्ट में, किसी के ब्रेन में, ठीक है, एनीवेयर, अगर वो टॉक्सिन वहां बैठते हैं तो वहां भी इम्यून सिस्टम अटैक करता है जी। इम्यून सिस्टम अटैक करता है, वहां पर इन्फ्लेमेशन बनती है, सूजन बनती है जी। तो मॉडर्न साइंस सूजन को बीमारी समझती है, ठीक है। तो बॉडी के 80 प्रकार के डिफरेंट सेल्स हैं जहां पर ये टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं, एंड उन टॉक्सिन कहां पर बैठे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंगली बीमारी का नाम रख दिया गया।